हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फ्रेंस पे सत्र में। मैं हूँ अविनाश सिंह और हम कर रहे थे पॉलिटी का ये अगला वीडियो है जिसमें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बट कल जो हमने किया था उसमें कुछ रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने की थी पंचायत, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन जो आया था 1992 में, उसमें पंचायत जोड़ा गया था भाग 9। ठीक है, इसमें इनको 29 विषय दिए गए थे। आरक्षण की बात करें, 1/3 जो आरक्षण है महिलाओं के लिए है, चाहे किसी भी वर्ग में हो उस वर्ग में 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए है, यानी 33% करीब। ठीक है, और वहीं बात करें SC ST की, तो SC ST को आरक्षण दिया गया उनकी जनसंख्या के अनुपात में। OBC का आरक्षण देना है या नहीं देना, ये स्वैच्छिक प्रावधान छोड़ा गया है राज्य सरकार के पास, राज्य विधानमंडल के ऊपर, कि वो देना चाहे तो दे सकता है। वहीं बात करें यहाँ कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। ठीक है, और यहाँ ग्राम सभा क्या होती है कि वहाँ जितने भी इलेक्शन में वोट देने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उस गांव में, उस पंचायत में, वो सब ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। लास्ट अथॉरिटी जो भी है वो ग्राम सभा के पास ही होती है, ग्राम पंचायत की देखें तो। ठीक है, और आई जो है 243 आई, इसमें वित्त आयोग के बारे में बोला गया है, और जी में बोला गया है पावर्स, यानी कि उसके पास जो 29 विषय हैं उनके उनका जिक्र दिया गया है आर्टिकल 243 जी में। और बात करें वहाँ पे निर्वाचन आयोग की, तो 243 के में निर्वाचन आयोग की बात की गई है। ठीक है, तो इतना ही कुछ है। कुछ जो विषय ग्राम सभा के पास आते हैं यानी कि ग्राम पंचायत के पास आते हैं, वो है मेला हो, सड़क वाला हो, या फिर कृषि विकास हो, या फिर जल सुरक्षा वाला FI कोई हो, कोई भी विषय, 34 विषय आते हैं उसमें। फिर थोड़े छोटे तौर पर चुंगी वगैरह लगाना ये भी शामिल है उसमें। ठीक है, जो ग्राम विकास से संबंधित जो भी कार्य आते हैं, तालाब वगैरह, जी कुछ भी बनाना हो, वो सब कहाँ आते हैं, ग्राम विकास के अंतर्गत, ग्राम पंचायत के अंतर्गत। ठीक है, तो मेले वगैरह का आयोजन भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आता है। जो आप सभी ने देखा होगा, जो भी गांव के हैं या फिर गांव गए हैं, तो मेला वगैरह लगता है, वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आता है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं भाग 9 में दे रखी हैं। 74 का संविधान संशोधन हुआ था, 1922 में ही हुआ था, उसी के द्वारा भाग 9 ए जोड़ा गया और नगर पंचायत नगर पालिकाएं जोड़ी गई। इसके भी 3 स्तर ही होते हैं। ठीक है, नगर निगम सबसे ऊपर, नगर पालिका या नगर पालिका परिषद, ठीक है, परिषद भी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरी है नगर पंचायत। नगर पंचायत ये उनमें होती है जो पहले कस्बे थे, यानी कि छोटे नगर, और साथ ही जो नगर विकास की प्रक्रिया में है। यानी कि जो पहले कस्बा था अब उसको गांव का दर्जा दिया जा रहा है, तो जब उसमें विकास की स्थिति होती है यानी कि संक्रमण की स्थिति होती है, तो नगर पंचायत हो सकती है वहां पे। नगर पालिका परिषद होती है छोटे शहरों में। ठीक है, नगर निगम की बात करें, नगर निगम होता है बड़े शहर जैसे दिल्ली, बेंगलुरु और जो भी है, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, इनमें नगर निगम हो सकता है। ठीक है, जो बड़े बड़े शहर हैं जिनकी जनसंख्या भी ज़्यादा है और विकास की स्थिति भी अच्छी है, उनमें हो सकता है नगर निगम। ठीक है, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, और छोटे शहर या फिर छोटे नगर जो विकास की प्रक्रिया में है, यानी कि जो संक्रमण की अवस्था में शहर, गाँव से या फिर कस्बे से नगर बन रहे हैं वो। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। सबसे पहले कहाँ पे नगर निगम स्थापित हुआ था, 1687-88 में मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई थी ब्रिटिश काल में। मद्रास नगर निगम ब्रिटिश काल में, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हमने देखा होगा ब्रिटिश काल में जिस नगर निगम की सबसे पहले स्थापना हुई थी वो था मद्रास नगर निगम ब्रिटिश काल में 1687 में। फिर 1726 में कोलकाता या कलकत्ता और बंबई, ये 2 नगर निगम भी बनाए गए। ठीक है, ये 3 नगर निगम स्टार्टिंग में बने थे। फिर सभी को पता है जैसे स्वायत्तता का जो अधिकार दिया गया क्षेत्रीय लेवल पे, क्षेत्रीय स्वायत्तता या फिर नगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय सुशासन, फिर जो पंचायत चली उसी के साथ साथ चला है, धीरे धीरे विकास होता रहा है। फिर जब हमारा 1992 में एक्ट आया उसके बाद से हमें पढ़ना है।
तो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी ब्रिटिश काल में 1687-88 में मद्रास नगर निगम की। तो भारत का पहला नगर निगम पूछा जाए ब्रिटिश काल में तो मद्रास नगर निगम 1687-88 में और 1726-27 में आ गया था ये कलकत्ता और बम्बई में। फिर हमारे रिपन आए थे, लॉर्ड रिपन या फिर जो गवर्नर थे वायसराय मान लो कुछ भी, ठीक है। तो जब वो आए थे तब उन्होंने मैग्ना कार्टा पेश किया, लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय प्रशासन का जनक माना जाता है भारत में। फिर आगे प्रक्रिया चली आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद नगर निगम वगैरह की स्थापना हुई भाग 9 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। बात करें 74वें संविधान संशोधन में आर्टिकल कितने हैं, तो आर्टिकल यहाँ 243, पंचायत में कितने थे, पंचायत में थे 243 से लेके 243 ओ तक। अब यहाँ पे कितने होंगे, 243 ओ के बाद पी से 243 अब जेड जी, यानी कि जेड तक खत्म हो गए, 26 हो गए, 26 से अधिक आर्टिकल हैं इसमें, तो जेड जी ए बी सी डी ई एफ जी तक भी हैं, यानी कि इसमें से कुछ ही आर्टिकल हमें देखने हैं। वैसे 8 तरह का जो नगर पालिकाएं हो सकती हैं वो हो सकती हैं, 8 तरह के हमारे शहरी सुशासन हो सकता है, 8 तरह का शहरी सुशासन, उन 8ों के बारे में हमें जानना नहीं है, बस कुछ चीज़ें जाननी है इसलिए बता रहा हूँ मैं। जो छावनी बोर्ड आता है जहाँ पे सेना के वगैरह सैनिक वगैरह रहते हैं एक जगह पे परमानेंटली कि यहाँ पे रहना है, तो छावनी बोर्ड किसके अंतर्गत आता है, छावनी यानी कि सेना की बात हो गई, जो कंटेनमेंट एरिया होता है तो वह आता है हमारा रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और जो संघ शासित प्रदेश होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। संघ शासित प्रदेशों में कोई भी नगर निगम या फिर नगर या शहरी स्थानीय निकाय कोई भी स्थापना होना है तो गृह मंत्रालय उसको देखेगा। और वहीं बात करें जो अन्य होते हैं नॉर्मल, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, एक शहरी विकास मंत्री होता है उसके अंतर्गत। केंद्रीय लेवल पे 3 मंत्रालय होते हैं जो स्थानीय सुशासन जो शहरों में होता है उसको देखते हैं, ठीक है। 8 तरह के टोटल होते हैं शहरी सुशासन, उसमें से 3 मंत्रालय के अंतर्गत होते हैं, बाकी इसमें से कुछ समय कुछ ज़्यादा नहीं देखना, बस कुछ आर्टिकल ही देखने हैं। जैसे कि 243 ओ की बात, पी की बात करें तो पी में क्या रखा होगा भाई, इसकी परिभाषा वगैरह। क्यू में क्या होगा, क्यू में क्या होगा, स्तर होंगे और क्या होगा, ज़्यादा कुछ तो पढ़ना है नहीं हमें, बस जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वही देखने हैं, ठीक है। तो पी में क्या होगा, स्तर होंगे, क्यू में, आर में क्या होगा, संरचना होगी, एफ में क्या होगा, एफ में होगा जो हमारा आरक्षण की बात की जाती है वो होगा टी में, टी में आरक्षण, इसमें भी आरक्षण सेम ही है, ठीक है। जो 243 टी है उसमें बोला गया है कि एस सी एस टी को आरक्षण दिया जाएगा जनसंख्या के अनुपात में, वही महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा, 243 टी में देखा बोला गया है, आरक्षण वाला हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है वाई, 243 वाई, जो हम आई याद करते हैं, आई फोर क्या होता है, 243 आई में क्या है, वित्त आयोग, तो 243 आई में वित्त आयोग है, वैसे ही वित्त आयोग है वाई में। जो नगर पंच नगर निगम होते हैं उसमें वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई है 243 वाई में, आई में किसके लिए की गई है, पंचायत के लिए, तो ये एक ही वित्त आयोग होगा जो राज्य गठित करेगा, राज्य सरकार, राज्यपाल, और वो नगर पालिकाओं के लिए भी काम करेगा, नगर जो ग्राम पंचायत होती है उसके लिए भी काम करेगा, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 243 जेड ए, इसमें बोला गया है निर्वाचन आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग स्थापित किया जाएगा चुनाव कराने के लिए। ये सब क्या है, ये महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। जैसे के होता है 243 के हमने याद किया है, उसमें इलेक्शन है, तो के से आगे जाके जेड ए, यानी कि के में है पंचायत का, ग्राम पंचायत का इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, और वहीं 243 के जेड ए, ऐसे पूरा याद कर लो तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा, के 243 जेड ए, इसमें बोला गया इलेक्शन की बात, और 243 आई और 243 में 343 वाई,
दोनों में क्या है, इलेक्शन कमीशन वित्त आयोग, सॉरी आई और वाई वित्त आयोग, के और जेड इलेक्शन कमीशन, ये दो चीजें याद कर लो साथ साथ, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस आर्टिकल में वित्त आयोग है, किससे संबंधित है। ठीक है, यही कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें थी हमें जो नगर पालिकाओं के बारे में पढ़नी थी। नगर पालिकाओं के तीन स्तर होते हैं, बता ही चुका हूं। बाकी जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है, इस वाले टॉपिक से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं तो बस कौन से आर्टिकल आर्टिकल में है, कौन सी चीजें आते हैं वो हम देख ही चुके हैं, और ज्यादा कुछ आता नहीं है इसमें। स्तर इस कितने हैं, तीन हैं, बाकी आठ प्रकार के होते हैं, ये भी पढ़ लिया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया, कौन से भाग में है, यही सब आता है, ये पढ़ लिया। पंचायत वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमने डिटेल में पढ़ा है। अब जो अगला भाग है संविधान का जो हमें पढ़ना है, वो भी बहुत ही कम पढ़ना है, भाग 9B। ये जोड़ा गया था 97 के संविधान संशोधन द्वारा, 97 जो संशोधन हुआ था 97 बार, उसके द्वारा जोड़ा गया था 2011 में। इसके अंतर्गत दे क्या रखा है, ये रखा है सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ चीजें हैं वो हमें देखनी है, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं तब हम नहीं कर पाते क्योंकि हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होता। तो 97 संविधान संशोधन द्वारा भाग 9B जोड़ा गया था, और क्या जोड़ा गया था, आर्टिकल 19 में भी एक अधिकार जो हमें दे रखा है संघ बनाने का, वो इसी के अंतर्गत जोड़ा गया है 97 संविधान संशोधन द्वारा, सहकारी समिति बनाने का, संघ बनाने का जो अधिकार है उसमें भी सहकारी समितियां बनाने का जो अधिकार है वो इसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और एक और आर्टिकल है 43B जो सहकारी समितियां बनाने का राज्य को बोलता है, वो भी इसी में जोड़ा गया था 97 संविधान संशोधन द्वारा। तो 97 संविधान संशोधन द्वारा तीन चीजें जोड़ी गई थी संविधान में, भाग 9B और 19 में और 43 में। एक चीज जो नगर निगम रह गए उसमें एक चीज और है कि नगर निगमों के पास 18 विषय होते हैं, 18 विषय नगर निगम के पास, जो नगर पंचायत हैं या फिर नगर निकाय हैं उनके पास 18 विषय होते हैं, और 11 भी अनुसूची थी उसकी, और 12 भी अनुसूची है नगर निगमों की, जैसे मैं बता चुका हूँ ये पहले भी, बट अब दोबारा से अब जब नगर निगम वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो जो नगर निगम जो नगरीय निकाय होते हैं, नगर निकाय 18 विषय हैं उनके पास, 12 भी अनुसूची है, ठीक है, 18 विषय 12 भी अनुसूची। और इनकी बात करें कि ये किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल है इसका W 243 आर्टिकल है, जिसमें 18 विषय दे रखे हैं 12 भी अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है, याद रखिएगा। बस यही चीजें हैं जो हमें याद करनी है। अब हम बात कर रहे थे सहकारी समितियों की, तो सहकारी समिति भाग 9B जोड़ा गया है, और 19 आर्टिकल में जो हमें अधिकार दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है, उसमें जोड़ा गया है समिति बनाने का, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार हमें, और 43B में भी जोड़ा गया है, यानी कि तीन संशोधन हुए हैं एक ही संविधान संशोधन द्वारा, तीन तरह के संशोधन हुए, तीन आर्टिकल में कुछ चीजें जोड़ी गई हैं। तो 9B ये अलग से जोड़ा गया, ये अलग से जोड़ा गया, इसमें ZG से आगे 243 ZG से आगे क्या है ZH, इससे आगे जो आर्टिकल है वो इसके अंतर्गत आते हैं। हमें बस एक चीज देखनी है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, और सहकारी समिति जो बनाने का अधिकार है उसमें कितने सदस्य होते हैं, क्योंकि एक बार ऐसा प्रश्न आया है एग्जाम में कि सहकारी समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो सहकारी समिति में सदस्य कितने हो सकते हैं, 21 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम, कितने सदस्य होते हैं मैक्सिमम 21 सदस्य, और दो सलाहकार अतिरिक्त हो सकते हैं, प्लस दो सलाहकार हो सकते हैं, जैसे वित्तीय मामलों को सलाहकार जोड़ना हो, बैंकिंग का या कुछ भी, तो 21 सदस्य हो सकते हैं। सदस्य यानी कि निर्देशक, निर्देशक कितने हो सकते हैं डायरेक्टर, तो 21 उसकी संख्या हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है, और दो सलाहकार हो सकते हैं मैक्सिमम, जो बैंकिंग वित्तीय या फिर किसी अन्य मामले का विशेषज्ञ हो। और इनका वही कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल भी इन तीनों का, जैसे नगर निगम का कार्यकाल भी 5 साल होता है जो भी सदस्य चुने जाते हैं उसका, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है,
नगर निगमों में भी शायद इसमें भी डायरेक्ट इलेक्शन ही होता है। बाकी हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी, बस कार्यकाल 5 साल होता है और 21 सदस्य हो सकते हैं, बस यही काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, ये सहकारी समिति के बारे में बस इतना जानना है कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई कौन से आर्टिकल में है और कौन से भाग में है और क्या क्या जोड़ा गया था 17वें संविधान संशोधन द्वारा, कितने सदस्य होते हैं, कितने सलाहकार हो सकते हैं, कार्यकाल कितना होता है, ये काफ़ी है अपने आप में। और पंचायत का कार्यकाल भी 5 साल होता है, नगर निगम का कार्यकाल भी 5 साल ही होता है, जो पार्षद वगैरह चुने जाते हैं वो भी 5 साल के लिए काम करते हैं। अब हमें जो अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है भाषा वाला, भाग सत्रह में जो राजभाषा वाला जो टॉपिक है वो हमें अच्छे से पढ़ना है। भाग 18 में हम लोग आपातकाल पढ़ चुके हैं, तो भाग 17 भी पढ़ लेते हैं। राजभाषा वाला जो टॉपिक है वो पढ़ना है, 343 आर्टिकल से 351 तक इसमें दे रखे हैं, तो हमें एक एक करके आर्टिकल को डिस्क्राइब कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा भाषा के अंतर्गत क्या क्या है। तो इसके अंतर्गत 4 पाठ दे रखे हैं छोटे छोटे, संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा और अन्य विशेष निर्देश, ये 4 हैं। उन्हीं के अंतर्गत हम पहले देखते हैं आर्टिकल 343, इसमें बोला गया है संघ की भाषा या फिर संघ की राजभाषा हिंदी होगी, संघ की राजभाषा हिंदी, देवनागरी लिपि वाली हिंदी होगी संघ की राजभाषा। ठीक है, लेकिन अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, जैसे पहले हमने पढ़े होंगे बचपन में, जिसने भी शायद पढ़े हो कि वहां पे क्या लिखते थे, 2 ऐसे लिख दिया, 3 ऐसे लिख दिया, 4 ऐसे लिखते थे, ठीक है, 5 ऐसे लिखते थे, 6 को ऐसे लिखते थे हम, 7 को ऐसे लिखते थे, 8 को ऐसे लिखते थे, 9 को ऐसे लिखते थे। ठीक है, तो ये जो संख्याएं थी वो क्या है, ये देवनागरी लिपि वाली संख्याएं हैं, ये वाली हमें नहीं अपनानी राजभाषा में, हमें अपनानी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाली। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है अंकों का, तो ये वाला हमने अपनाया है, देवनागरी वाला नहीं अपनाया, इसीलिए सरकारी जो भी कामकाज होते हैं उसमें ये वाली मिलती है। ठीक है, तो अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, बाकी देवनागरी हिंदी वाली होगी हमारे यहाँ, जो हम लिख रहे हैं ये वाली जो लिपि है ये देवनागरी लिपि है, जो ये कुछ भी लिखा है यहाँ पे देवनागरी लिपि में ही लिखा है। बहुत सारी लिपियां हैं, हिस्ट्री में भी आपने पढ़ी होंगी, अरामायक, ये लिपि वो लिपि, तो ये सब लिपियां होती हैं, और उर्दू की अलग लिपि है, जैसे पीछे से आगे लिखना, तो ये सब चीज़ें लिपि हैं। हमें कौन सी लिपि देखनी है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा होगी और अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। 243 आर्टिकल में एक और चीज दे रखी है कि 15 साल के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होगा, लेकिन ये 15 साल के लिए था, शुरुआत में ये 15 साल के लिए था 1965 तक, लेकिन जो सरकार थी हमारे, जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने थोड़ा गलती बोल लो, जो भी हिंदी को या फिर एक देश को एक भाषा अगर होती है हमारी तो देश में मजबूती आती है, राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है अगर एक ही भाषा हो पूरे देश की तो। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे थोड़े सा भावुक हो गए या कुछ भी मान लो, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया और उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की, यानी कि 1963 के बाद 1965 के बाद भी अंग्रेजी चलती रहेगी, ऐसा उन्होंने संशोधन कर दिया। और ये क्या किया, ये कोई भी समय निर्धारित नहीं किया, ऐसा नहीं है कि मैं भाषाओं के खिलाफ हूँ, जो क्षेत्रीय भाषा होती है मलयालम ये चलें, लेकिन अगर पूरे देश में सब लोग एक ही भाषा बोलेंगे, कोई भी कहीं जाके बात कर सकता है नॉर्मली। अब क्या, अगर कहीं किसी को जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी। अंग्रेजी सीख सकते हैं हम, बोल भी सकते हैं साउथ में जाए चाहे नॉर्थ ईस्ट में जाए, लेकिन अगर नॉर्थ वाले या फिर साउथ वाले या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले यहाँ आएंगे वो अंग्रेजी में बात करेंगे, लेकिन जो हिंदी प्रदेश वाले हैं उनको
अधिकतर को अंग्रेजी ठीक से नहीं आती, जो लोकल वाले हैं सीख लेते हैं, और वहाँ पे भी हर किसी को अंग्रेजी नहीं आती। तो लेकिन अगर हिंदी को बढ़ावा देना है, एक राष्ट्र एक भाषा होगी तो अंतर्राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी, इसलिए एक भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, बाकी अन्य भाषाओं को भी बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी को जो कार्य समय सीमा थी इसको बढ़ा दिया और अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, यानी कि जो अंग्रेजी है वो आगे भी चलती रहेगी, ऐसा बोला गया। तो आर्टिकल 343 में राजभाषा जो है संघ की हिंदी है, और अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय है, और आगे भी अंग्रेजी चलती रहेगी, यानी कि संघ की राजभाषा क्या हो गई अब, हिंदी और अंग्रेजी। बात करें आर्टिकल 344 की, तो उसमें बोला गया है जो संघ सरकार है वो एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति करेगी। पहले बार जब आजादी के बाद जब संविधान लागू होगा उसके 5 वर्ष बाद, और उसके बाद प्रति 10 वर्ष बाद जब संविधान लागू हो जाएगा, यानी 55 में करना है, फिर उसके बाद कब करना है, हर 10 साल के बाद राजभाषा आयोग करना है। बट इसकी नियुक्ति टाइम पे होती नहीं है, बीजी खैर के नेतृत्व में पहला राजभाषा आयोग गठित हुआ था। 344 में ही एक और बात कही गई है कि एक संसदीय समिति भी बनेगी। राजभाषा आयोग की रिपोर्ट आएगी भाई, तो रिपोर्ट पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति भी बनेगी। तो ये बात की गई है 344 की जो सेकंड पार्ट है उसमें। तो जीवी पंत की नेतृत्व में पहली संसदीय समिति भी गठित की गई थी। ये गठित किया था 1956 में, 57 में इसकी रिपोर्ट आई थी, तो 1957 में ये इसलिए समिति गठित की गई थी। ठीक है, तो संसदीय समिति और राजभाषा आयोग की बात की गई 344 में। याद रखिएगा राजभाषा आयोग किस आर्टिकल के द्वारा गठित होता है, तो आर्टिकल 344। अब बात करते हैं आर्टिकल 345 की। आर्टिकल 345 में बोला है कि जो भी राज्य है उसकी विधायिका, राज्य विधायिका अपनी लिए कोई भी भाषा चुन सकती है। राज्य विधायिका अपने लिए भाषा चुन सकती है कोई सी भी, ऐसा नहीं है कि जो आरटीपी अनुसूची है उसी में सीमित है, कोई भी भाषा चुन सकती है राज्य विधायिका जो उस राज्य की राजभाषा बनेगी और सरकारी कामकाज में या फिर अन्य कामकाजों के लिए प्रयोग होगी। ठीक है, ये बोला गया 345 में। अब बात करें 346 की, तो संपर्क भाषा, राज्यों के बीच की संपर्क भाषा और केंद्र व राज्य के बीच संपर्क भाषा। संपर्क भाषा वाला जो बात की गई है वो है आर्टिकल 346 में। राज्यों के बीच जो संपर्क भाषा की बात है, दो राज्य या फिर अधिक राज्य जहां पे अंग्रेजी चलती है या नहीं चलती, वो आपस में समझौता करके आपसी सहमति से संपर्क भाषा चुन सकते हैं। जैसे राजस्थान और यूपी ने चुन ली हिंदी, अंग्रेजी भी चुन ली तो अंग्रेजी हो सकती है उनकी संपर्क भाषा। केंद्र से इनकी तो संपर्क भाषा रहेगी हिंदी अंग्रेजी दोनों में। ठीक है, बाकी राज्य चाहे तो आपस में समझौता करके कोई सी किसी भी भाषा को चुन सकते हैं संपर्क भाषा के रूप में। आर्टिकल 347 की बात करें तो ऐसा है कि राष्ट्रपति निर्देश देगा, जैसे मान लो कोई भी अल्पसंख्यक है, वो अल्पसंख्यक समूह चाहता है कि हमारी जो भाषा है वो राजभाषा बन जाए या फिर जो राज्य है उसमें प्रयोग हो। जैसे यूपी में कोई भी छोटे समूह है, तो यूपी की जनसंख्या मान लो 20 करोड़ है, उसमें फिर 1-2 करोड़ लोग चाहते हैं कि हमारी जो भाषा है कोई सी भी उसको हम चाहें कि संपर्क भाषा बन जाए या फिर राजभाषा बन जाए, तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि उस भाषा को भी तुम राजभाषा बना लो। राज्य को निर्देश दे सकता है कि उस भाषा को राजभाषा बना लो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है किसी भी राज्य को कि उस उस भाषा में भी कामकाज किया जाए या फिर उस भाषा को भी अनुमति दी जाए राज्य में। ठीक है, 345 में रखा है राज्य विधायिका किसी भी भाषा को चुन सकती है, चाहे वो 22 भाषाएं उसमें शामिल हो चाहे अन्य हो।
ठीक है, अभी 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में दे रखी हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। वैसे जब अनुसूची वाला टॉपिक मैंने कराया था तो उसमें मैंने अच्छे से बताया भी था कौन सी भाषा थी, कौन सी बाद में जुड़ी है। तो 346 राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच जो संपर्क भाषा है उसके बारे में बताता है। दो राज्य आपस में समझौता करके संपर्क भाषा चुन सकते हैं। 347 राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि उस भाषा को में भी कामकाज किया जाए जो अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा है। अब बात करते हैं 348। आर्टिकल 348 में रखा है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उसमें कामकाज की जो भाषा होगी वो क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कामकाज की भाषा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में तो अंग्रेजी चलती है, ठीक है। कई बार 1971 से पहले कई बार सुप्रीम कोर्ट ने जो PIL या फिर कोई भी केस दायर किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको खारिज कर दिया था क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी के अलावा और कोई भाषा नहीं चलेगी। तो अंग्रेजी अन्य भाषाओं में कोई भी PIL वगैरह दायर करते हैं तो वो खारिज हो सकती है क्योंकि संसद के ऊपर छोड़ा गया था कि संसद डिसाइड करेगी कि अंग्रेजी के अलावा कौन सी भाषा सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग होगी, लेकिन संसद ने अंग्रेजी के अलावा किसी भी भाषा को सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी है। वहीं हाई कोर्ट में बोला गया है कि जो राज्य सरकार है या फिर राज्यपाल है, राज्यपाल या फिर सरकार राज्य की, ठीक है, राज्य की सरकार किसी भी भाषा को कामकाज के लिए प्रयोग कर सकती है। राज्यपाल डिसाइड कर सकता है या फिर, और इसमें सुप्रीम राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। राष्ट्रपति की सहमति से राज्य सरकार किसी भी भाषा को जो अपना हाई कोर्ट है वहां पे कामकाज के लिए प्रयोग कर सकती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश होंगे, फैसले होंगे या फिर कोई डिक्री होगी या फिर हाई कोर्ट का भी होगा तो वो अंग्रेजी में होंगे, अंग्रेजी में होंगे। और अगर किसी राज्य ने किसी अन्य भाषा को भी मान्यता दे रखी है तो हाई कोर्ट में उस भाषा के अलावा अंग्रेजी भी होगी। उस भाषा के अलावा अंग्रेजी भी होगी, बाकी सुप्रीम कोर्ट में तो केवल अंग्रेजी में ही फैसले वगैरह आएंगे। उसके डिक्री, फैसले, आदेश, निर्देश कुछ भी देगा सुप्रीम कोर्ट वो अंग्रेजी में देगा। और उस भाषा के अलावा राज्य चाहे तो अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा में भी फैसले वगैरह देने के लिए बोल सकता है, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें 349 की। 349 में बोला गया है कि जो भी राज्य के कानून होंगे, राज्य के अधिनियम, कानून, आदेश राज्य सरकार के या फिर केंद्र सरकार के, ठीक है, राज्य के या फिर केंद्र सरकार के किसी के भी आदेश, कानून, अधिनियम या फिर अध्यादेश जो राष्ट्रपति 123 के द्वारा और राज्यपाल करता है 213 के द्वारा अध्यादेश, वो सब किस में होंगे, अंग्रेजी में भी होंगे। अगर किसी और भाषा में भी होते हैं तो अंग्रेजी प्लस हिंदी या फिर जो भी राज्य की राजभाषा है उसमें भी हो सकते हैं, यानी कि कम से कम अंग्रेजी में तो वो होंगे ही होंगे, उसका अनुवाद अंग्रेजी में होना अनिवार्य है ऐसा बोला गया है। बाकी राज्य चाहे तो किसी अन्य भाषा में भी उनको जारी कर सकता है लेकिन अंग्रेजी अनुवाद भी उसके साथ होगा। और केंद्र की बात करें तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे। तो ये बोला गया है 349 में, ठीक है। 348 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा है, सुप्रीम कोर्ट में केवल अंग्रेजी में काम होगा, उसके आदेश वगैरह अंग्रेजी में होंगे, राज्यपाल राज्य सरकार और राष्ट्रपति की सहमति से कामकाज के लिए हाई कोर्ट में भाषा चुन सकती है अंग्रेजी के अलावा, लेकिन जो भी आदेश वगैरह आएंगे वो अंग्रेजी में भी होने चाहिए उस भाषा के अलावा। 349 की बात करें तो राज्य सरकार या फिर जो केंद्र सरकार के आदेश, अधिनियम, कानून जो भी है वो उस अंग्रेजी के अलावा हिंदी में केंद्र सरकार के हो सकते हैं, बाकी जो भी भाषा चुनेगी उसके अलावा अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद होना चाहिए, यानी कि अंग्रेजी अनुवाद जो है कंपलसरी है किसी भी कानून वगैरह का, ठीक है। अब बात करें 350 की। आर्टिकल 350 में एक अधिकार दे रखा है सभी व्यक्तियों को या फिर अल्पसंख्यकों को, मान लेते हैं अल्पसंख्यकों को या फिर सभी को एक अधिकार दे रखा है कि हम चाहें किसी भी भाषा में
किसी भी भाषा में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसे मान लो राज्य में यूपी है, मान लेते हैं यूपी है या फिर एमपी है या फिर कोई भी राज्य है, उसमें भाषा चलती है तीन मुख्यतः बड़ी भाषा है, तो चौथी भाषा को बोलने वाला जो भी समूह है उसकी जो शिकायत होगी वो अपनी भाषा में कर सकता है, और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस आधार पर मान्य नहीं कर सकता कि ये राजभाषा नहीं है या फिर ये इस भाषा का प्रयोग कम होता है या फिर मुझे नहीं आती। तो इसीलिए हम ये अधिकार दिया गया है हमें कि जो भी अल्पसंख्यक समूह है या फिर कोई भी है किसी भी भाषा में जो उस राज्य के अंतर्गत चलती है उसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उसका निराकरण पा सकता है। उस आधार पर उसे अवैध घोषित नहीं किया जाएगा कि वो राजभाषा नहीं है या फिर राज्य में कम चलती है। ठीक है, तो ये अधिकार रखा है अल्पसंख्यकों के लिए भी है और सभी के लिए है, जो भी चाहे वो कर सकता है, मुख्यतः अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ही क्योंकि बड़ी भाषाओं में तो चलता ही है, तो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 350 ए की बात करें तो यह दिया गया है अल्पसंख्यकों के बच्चों को अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे होते हैं उसको मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार, मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार होगा, यानी कि सरकार कोशिश करेगी जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उनके बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिले। जैसे कोई बोडो वाला है तो उसको बोडो में प्रारंभिक शिक्षा मिले, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्राइमरी एजुकेशन वो है जो कक्षा 5 तक होती थी पहले, ठीक है, वो प्राइमरी एजुकेशन में आती है, तो वो अल्पसंख्यक वर्गों को प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मातृभाषा में मिले, उनकी अपनी भाषा में मिले, ऐसा प्रयास करेगा राज्य। तो ये 350 ए में है। 350 बी की बात करें, 350 बी में रखा है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी, विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा केंद्र सरकार भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो अल्पसंख्यक संबंधी भाषा जो भी है उसके बारे में देखेगा कि वो ढंग से उन्हें मिल रही है शिक्षा या फिर नहीं मिल रही है, या फिर कोई भी और चीज जो भी है अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित भाषा की वो हो रही है या नहीं। अब बात करते हैं 350 के बाद 351 की, तो आर्टिकल 351 में दे रखा है केंद्र सरकार का दायित्व है कि हिंदी को बढ़ावा दे, केंद्र का दायित्व हिंदी को बढ़ावा देने में, यानी केंद्र सरकार का दायित्व है कि हिंदी को बढ़ावा दे और हिंदी को पूरे भारत में एक राष्ट्रभाषा के रूप में या फिर संपर्क भाषा के रूप में बनाए, यानी केंद्र का दायित्व है कि वो हिंदी को पूरे देश में प्रचार प्रसार करे और संपर्क भाषा के रूप में कम से कम स्थापित करे। तो हिंदी के प्रचार प्रसार और बढ़ावा देने का जो दायित्व है केंद्र सरकार का है आर्टिकल 351 के द्वारा। ठीक है, तो ये हैं हमारे राजभाषा से संबंधित आर्टिकल और बातें। तो अब हम जो अगला जो टॉपिक करने वाले हैं वो है 8वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या दे रखा है, 8वीं अनुसूची में दे रखा है हमारा 8वीं अनुसूची, उसमें दे रखी है प्रेजेंट में 22 भाषाएं, लेकिन वो स्टार्टिंग में कितनी थी 14 के बाद मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जो 21वां संविधान संशोधन हुआ उसमें जोड़ी गई सबसे पहली भाषा सिंधी, तो कितनी हो गई 15। ठीक है, 15 हो गई। फिर बाद में 71वां संविधान संशोधन जोड़ गया, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा 3 जोड़ी गई, नमक, ये याद रखिएगा नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 जोड़ी गई तो 18 हो गई। ठीक है, बाद में 92वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा 4 जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, तो कितनी हो गई 22। तो प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं हमारी 8वीं अनुसूची में, 21, 71 और 92,
21 पहले होगा फिर 71 होगा फिर दोनों को जोड़ दो तो 92 होगा, ठीक है। 21 में 50 जोड़ो फिर दोनों को जोड़ दो आप उसमें 92। तो ये पहले एक जोड़ी गई सिंधी, फिर बाद में 3 नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो डोगरी, मैथिली, 47, 92 संविधान संशोधन द्वारा, तो टोटल 22 होगी, 22, ठीक है। एक चीज और आती है, सभी ने शायद कभी सुना हो, शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं, शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं। तो ये हमारी जो सरकार है उसने ये शुरू किया था 2004 के करीब, 2004 में ये शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देने की बात की। दर्जा किस भाषा को मिलता है जिसका 1500 से 2000 साल पुराना अपना इतिहास हो, किसी अन्य भाषा से उसका कोई संपर्क ना हो, यानी कि अन्य भाषा के शब्द उसमें ना हो या फिर उसके शब्द अन्य भाषा में ना हो, तो वो होती है शास्त्रीय भाषा, दे सकते हैं दर्जा। 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। सबसे लास्ट वाली है 2014 में दिया गया था उड़िया, उड़ीसा की जो भाषा है उड़िया, उसको दिया गया था 2014 में लास्ट। उसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और संस्कृत, इन सबको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और संस्कृत, ठीक है। याद रखिएगा 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है सरकार के द्वारा। और इसका फायदा क्या होता है, जैसे यूजी से अनुदान प्राप्त हो सकता है यूजीसी से, और जो राजभाषा आयोग बनता है उसमें भी एक दो सदस्य की नियुक्ति हो जाती है, और जो रिसर्च वगैरह के लिए इन भाषाओं पर खर्च करती है सरकार, तो ये फायदा होता है शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिलने से। तो बहुत सारी भाषाएं शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए कोशिश करती रहती हैं। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, ठीक है। 2004 में शुरू हुआ था तमिल, तेलुगु वगैरह को देके एक एक करके कभी 2009 में, 4 में, 5 में ऐसे दिया गया। लास्ट जो भाषा है वह ओडिया, ये एग्जाम में एक दो बार आ भी चुकी है कि लास्ट जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा कैसे दिया गया है, तो ओडिया, ठीक है। याद रखिएगा 6 को मिल चुका है, 6 कौन सी है ये भी याद रखिएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद, और रेगुलर करते रहिए। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है वो भी हम करेंगे, या फिर जब भी टाइम आएगा तब हम जो क्वेश्चन आंसर होते हैं पहले टॉपिक से लेके लास्ट तक करेंगे, ठीक है। यानी कि जो पहला टॉपिक है हमारा संविधान सभा, उससे लेके अब तक जो भी टॉपिक हुए हैं धीरे धीरे करके उनके भी क्वेश्चन डालेंगे। करीब एक टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कोशिश करेंगे उतने हम सॉल्व करें, ठीक है। ये क्लास वाइज लाइव होगी, लाइव क्लास में मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा पॉलिटी से संबंधित, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद।